हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में यूजी लेवल के प्रोग्राम्स में इस साल किस तरह से एडमिशन होगा उसके बारे में। फिलहाल यहां पे जो एडमिशन का पूरा प्रोसीजर है यूजी लेवल के प्रोग्राम्स का, वो पूरी तरह से बदल गया है। पहले क्या होता था कि अगर आपको यहां पे यूजी लेवल के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके जो क्लास 12 के मार्क्स होते थे उसके बिहाफ पे आपको यहां पे एडमिशन मिल जाया करता था। लेकिन अब यहां पे ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अब यहां पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको देना होगा CUET का एग्जाम, और उस एग्जाम में आपके जैसे मार्क्स आएंगे उसके बिहाफ पे आपको यहां पे एडमिशन मिलेगा। और यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको अंबेडकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही अंबेडकर विश्वविद्यालय का कोई अलग से फॉर्म फिल करने की अभी के लिए कोई जरूरत है। अभी आपको फिल करना होगा CUET का फॉर्म। अभी फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, तो CUET का फॉर्म कैसे फिल करना है इस पे ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख के आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। CUET का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 6 मई, तो उससे पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लेना। तो यार ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अंबेडकर विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स के लिए आपको CUET का एग्जाम देना होगा, उसके लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, ये सब कुछ अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा CUET की वेबसाइट पे। इसकी वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in। जब आप इस पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा यूनिवर्सिटीज का, ये दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पे जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे भी CUET के थ्रू एडमिशन हो रहा है उन सबके नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंबेडकर विश्वविद्यालय के बारे में, तो यहाँ पे हमें उसी का नाम सर्च करना होगा। तो यहाँ पे आप पेज को नीचे करेंगे और नीचे यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख जाएगा डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी जो भी नोटिस है, जो भी डिटेल है, सब कुछ यहाँ पे लिखी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स के लिए इस साल अंबेडकर विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेने के लिए CUET का एग्जाम देना होगा। यहाँ पे सारे कोर्सेज के नाम दिए गए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें पहला कोर्स है BBA, इसके बाद आता है BA इन ग्लोबल स्टडीज, BA इन सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, BA इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमनिटीज, BA इन लॉ एंड पॉलिटिक्स, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, BA ऑनर्स सोशल साइंसेज एंड ह्यूमनिटीज, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स मैथमेटिक्स, BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, इसके बाद आता है BVOC टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, BVOC रिटेल मैनेजमेंट, BVOC अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और लास्ट कोर्स हमारा है BVOC अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये सारे कोर्सेज हैं, अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है अंबेडकर विश्वविद्यालय में तो उसके लिए आपको देना होगा CUET का एग्जाम। तो यार ये बात आपको समझ में आ गई कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इन सभी कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए कौन बच्चे एलिजिबल होंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, या तो आप अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हो इस साल, या आप क्लास 12 पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से, और आपने अपने क्लास 12 में कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और जो बच्चे यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि SC ST PWD दिल्ली OBC डिफेंस कश्मीरी माइग्रेंट, तो इन सब बच्चों के अगर 45% मार्क्स या उससे ज्यादा रहते हैं तो भी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको अभी बताया है ये सभी कोर्सेज के लिए है। मतलब अगर आपको अंबेडकर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है और आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप सभी कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किस कोर्स के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले आप ये समझ लो कि CUET का एग्जाम का पैटर्न होता क्या है। अगर आप उसको समझ लोगे ना तो आगे की चीजें समझने में आपको काफी आसानी होगी। तो यार CUET का जो एग्जाम है इसको टोटल 4 सेक्शन में, यानी कि 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1A ये लैंग्वेज का सेक्शन है जिसमें टोटल 13 लैंग्वेज हैं। सेक्शन 1B ये भी लैंग्वेज का सेक्शन है, यहाँ पे 19 लैंग्वेज हैं। और सेक्शन 2 ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सेक्शन है, इसमें टोटल 27 सब्जेक्ट आते हैं। और लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन 3, ये जनरल टेस्ट का सेक्शन है। तो टोटल इस एग्जाम में यही 4 सेक्शन होते हैं। लेकिन आपको सारे सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करने, आपको जिस जगह पे एडमिशन लेना है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं अंबेडकर विश्वविद्यालय में के बारे में, तो अगर आपको अंबेडकर विश्वविद्यालय के जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है
उस कोर्स के लिए जो एग्जाम बोला गया होगा आपको सिर्फ वही एग्जाम देना है, ये सारे एग्जाम आपको नहीं देने। लेकिन वो अब कौन सा एग्जाम देना है मैं आपको भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप एक बार सीबीईटी का जो एग्जाम का पैटर्न है, मेन पैटर्न अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे का समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे जो सेक्शन 1A है और सेक्शन 1B है, ये दोनों लैंग्वेज के सेक्शन है। सेक्शन 1A में टोटल 13 लैंग्वेज है, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। और सेक्शन 1B ये भी लैंग्वेज का सेक्शन है, यहाँ पे टोटल 19 लैंग्वेज है, इनमें से भी कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। अगर आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज करते हैं तो वहां पर टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और यहाँ पे टाइमिंग कितनी होगी एग्जाम को करने के लिए, तो इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा एक लैंग्वेज को करने के लिए। एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया तो वहां पर टोटल इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 40 करने होंगे। और टाइमिंग क्या होगी, तो 45 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा एग्जाम करना होगा। और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो बात होगी सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। तो सेक्शन 2 यहाँ पे आता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसमें टोटल 27 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं जिसका भी आपको एग्जाम देना है। वैसे आप अपनी मर्जी से चूज नहीं करेंगे, ये जो वहां पर लिखा होगा आपको उनमें से चूज करना है। कैसे चूज करना है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, फिलहाल आप पहले ये समझ लो यहाँ पे टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी टोटल जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उस सब्जेक्ट से यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे। और यहाँ पे आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा उसको करने के लिए, एक सब्जेक्ट को करने के लिए। और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे। और सिलेबस क्या होगा, तो आपके जो क्लास 12th का सिलेबस होता है वही सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा, बाकी डिटेल सिलेबस मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद लास्ट सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 3, जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। और इसका सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये इसका सिलेबस रहेगा। तो यार ये है सीबीईटी का एग्जाम का पैटर्न, यही 4 सेक्शन है और मैं आप लोगों को बता दिया कि किस सेक्शन में क्या रहता है। बाकी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज हैं, तो कौन कौन सी लैंग्वेज है उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये लैंग्वेज है। सेक्शन 1B में कौन सी लैंग्वेज है, उसमें 19 लैंग्वेज है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्सियन, इटालियन, अरबियन, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, सैंथली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, ये लैंग्वेजेस हैं। डोमेन वाले में कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं। अब इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपने अपने क्लास 12th में पढ़ रखा होगा, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसके हिसाब से भी यहाँ पे चूज कर पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज है, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, लीगल स्टडीज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, इनके नाम आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। तो यार यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे सिलेबस क्या है, इनका सीबीईटी का मेन एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब हम बात करते हैं अंबेडकर विश्वविद्यालय वाले पैटर्न के बारे में कि अंबेडकर विश्वविद्यालय में किस कोर्स के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यार यहाँ पे अंबेडकर विश्वविद्यालय में अगर आपको बीबीए कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको देना होगा जनरल टेस्ट, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। बाकी सेक्शन 1A, सेक्शन 1B या सेक्शन 2 देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सेक्शन 3 देना है जनरल टेस्ट वाला। यहाँ पे एक बार मैं नोटिस ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टेस्ट है ये। देखो ये वाला सेक्शन मैं आपको बताया था अभी, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, जिसमें आपका जीके वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ ये वाला सेक्शन आपको देना होगा। अगर आपको बीबीए के कोर्स में एडमिशन लेना है तो 75 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 60 करने होंगे और 60 मिनट का आपका पेपर होगा। सिर्फ आपको ये इतना करना है, बाकी के सेक्शन करने की जरूरत नहीं है बीबीए वाले बच्चों को। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो बीए में यहाँ पे आता है पहला कोर्स बीए इन ग्लोबल स्टडीज, इसके लिए क्या रूल है, तो इसके लिए आपको देना होगा सेक्शन 1A में से कोई भी एक लैंग्वेज, एनी वन लैंग्वेज। सेक्शन 1A में आप जाओगे वहां पर 13 लैंग्वेज के नाम है, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज जो आपने अपने क्लास 12th में पढ़ी है उसको आप चूज कर लेना। उसके बाद क्या है, सेक्शन 2 में जो डोमेन वाले सब्जेक्ट्स हैं वहां पर टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई भी एनी 3, कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज करोगे जो आपने अपने क्लास 12th में पढ़ रखे होंगे, वो आपके लिए इजी पढ़ेंगे, उसे आप चूज करोगे। मतलब एक लैंग्वेज हो गई और 3 डोमेन वाले हो गए सेक्शन 2 से, टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। तो आपको इन चारों सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ
बीए इन ग्लोबल स्टडीज के बारे में, अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ये एग्जाम देने होंगे। अब ये भी एक बार हम समझ लेते हैं दोबारा से, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि आपको सेक्शन 1A में से 13 लैंग्वेज है, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको देनी है। तो सेक्शन 1A ये वाला है, आपको यहां से एक लैंग्वेज चूज कर लेनी है, और साथ में सेक्शन 2 डोमेन वाला, 27 डोमेन यहां पे हैं, सब्जेक्ट हैं, इन 27 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको चूज कर लेने हैं, जो आपने अपने क्लास 12 में पढ़े होंगे आप वो चूज कर लेना, वो आपके लिए आसान रहेंगे। 3 आप यहां से चूज कर लोगे, 1 आप सेक्शन 1A से चूज कर लोगे, और यही 4 सब्जेक्ट आपको एग्जाम देने होंगे, बाकी का आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेम इसी तरह से अगर आपको बीए इन सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका भी सेम क्राइटेरिया है, सेक्शन 1A से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज करोगे, सेक्शन 2 में से डोमेन वाले में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर लोगे। उसके बाद अगर आपको बीए इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज के कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। उसके बाद आता है बीए इन लॉ एंड पॉलिटिक्स, इसका भी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है। इसके बाद आता है बीए ऑनर्स हिंदी, इसका यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अब चेंज क्या है, सेक्शन 1A में अभी तक क्या लिखा था, सेक्शन 1A में से कोई भी ले लो, पर यहाँ पे साफ साफ लिखा है सेक्शन 1A में आपको हिंदी ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हिंदी का कोर्स करना है बीए ऑनर्स हिंदी, तो आपको सेक्शन 1A में हिंदी ही चूज करना पड़ेगा, और सेक्शन 2 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो ये हो गया बीए ऑनर्स हिंदी के बारे में। इसके बाद बारी आती है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना, सेक्शन 1A यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे साफ साफ बोला है सेक्शन 2 बेस्ट ऑफ एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपको सेक्शन 2 में जो 27 सब्जेक्ट दिए गए ना डोमेन वाले, उनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद बारी आती है बीए ऑनर्स हिस्ट्री की, अब इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए सिंपल सा रूल है कि आपको सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है वो देना है और कुछ नहीं देना, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की, अब इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल ये है कि एनी वन लैंग्वेज आप दोगे और बाकी डोमेन वाले में से कोई भी 3 दे दोगे, सब ठीक है। इसके बाद बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, इसका भी सेम क्राइटेरिया है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A और सेक्शन 2 में से कोई भी 3 डोमेन वाले सब्जेक्ट आपको लेने हैं। इसके बाद बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए क्या रूल है, तो सेक्शन 1A में आपको इंग्लिश ही चूज करना पड़ेगा और सेक्शन 2 में से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए क्या रूल है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेक्शन 2 में से आपको मैथमेटिक्स एक तो चूज करना है और साथ में जो सेक्शन 1A है और सेक्शन 2 है वहां से दोनों में से मिला के कोई भी 3 और सब्जेक्ट आपको ले लेने हैं, मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने हैं, एक तो आपकी मैथमेटिक्स हो ही गई, अब बचे 3, अब वो 3 कहां से आप सेलेक्ट करोगे, तो सेक्शन 1A लिस्ट में जितने भी नाम दिए गए हैं और सेक्शन 2 लिस्ट में जितने भी नाम दिए गए हैं इन दोनों लिस्ट में से मिला के कोई भी 3 नाम आप चूज कर लेना, जो आपको ठीक लगता हो, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हो उसका आप टेस्ट दे देना। इसके बाद बीए ऑनर्स साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की बात करें तो उसका भी सेम क्राइटेरिया है, एनी वन लैंग्वेज सेक्शन 1A से और सेक्शन 2 से बेस्ट ऑफ एनी 3 डोमेन स्पेशल सब्जेक्ट। इसके बाद बीवोक के लिए इनका सेम क्राइटेरिया है, जनरल टेस्ट, बीवोक में यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं सभी के लिए जनरल टेस्ट ही बोला गया है। तो इस तरह से आपको अपने कोर्स के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा टेस्ट देना है। तो यार जब आप लोग अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्म को फिल करते टाइम, वैसे फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देखोगे समझ में आ जाएगा। बाकी एक अभी मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि फॉर्म को फिल करते टाइम आपका वहां पे पूछा जाएगा कि आपको किस विश्वविद्यालय के लिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए आपका एडमिशन लेना है, अप्लाई करना है, आपको उसका नाम वहां पे पूछा जाता है, तो वहां पे अम्बेडकर आप सिलेक्ट कर लेना अगर आपका इसमें एडमिशन लेना है तो। उसके बाद आगे पूछेगा कि किस कोर्स के लिए जाना है, तो वहां पे आप कोर्स का नाम भी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो अब आपसे बोलेगा अपना सब्जेक्ट चूज करो। एग्जाम्पल अगर आपने बीबोक अप्लाई कर दिया तो बीबोक में यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल टेस्ट, तो वहां पे आप जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लेना कि मेरे को जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है, बाकी जगहों पे नो नो कर देना, वहां पे आपको उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज इस तरह से आप लोग फिल कर लेना। तो यहाँ पे अब यार ये जो नोटिस है, इन सारे नोटिस का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस वाले पेज का भी डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा, बाकी मैंने तरीका बता दिया था कि कहां से ओपन होगा, तो वहां से आप चाहो तो इसको ओपन कर लेना, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे क्लिक करके आप ये खुद भी देख लेना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि किस कोर्स के लिए आपको सेक्शन 1A क्या है, सेक्शन 1B क्या है, सेक्शन 2 डोमेन वाले क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे ब्राउचर मैन के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे दिया गया है, तो इसको आप लोग खुद से एक बार पढ़ लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस यार जनरल टेस्ट का सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, जनरल टेस्ट वाले में आपका जो GK होता है, करंट अफेयर होता है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है GK, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें कि आपका
क्लास 8 तक की जो मैथ्स होती है बेसिक वाली, वो सब कुछ आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब कुछ आ जाएगा। उसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये आपका सिलेबस है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का। इसके अलावा जो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B है, तो उसमें यार आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो सेक्शन 2 डोमेन वाला है, इसका सिलेबस वेबसाइट पर दिया गया है। आपको जो भी सब्जेक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे उसका सिलेबस आप देख पाएंगे। आप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आपको आना होगा CVET की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा सिलेबस, ये लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सिलेबस आ जाएगा। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसका सिलेबस आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यार यहाँ पे मैंने एक सिंगल वीडियो में आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करी है अमेरिका विश्वविद्यालय के बारे में। आई होप यार यहाँ पे अब आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यार अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। कोई डाउट आपको अगर अभी भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।